कल हमारे घर आए नेहा कक्कड़ और रोहन प्री, जहां कल पहली बार नेहा और रोहन ने चखा मेहमान नवाजी का एक नया अंदाज। और नेहा ने सोचा क्यों ना आज इस मेहमान नवाजी का स्वाद कुछ और लोगों को भी चखाया जाए। और भाई क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आप लोगों को? मजा बहुत, ऐसा मजा आ रहा है कि ऐसा मजा कभी ना आए बेबी। अभी नहीं, परेशान होके किसको नहीं मजा आता। और हम तो आए परेशान होने के लिए दुनिया में। सरकास्टिक मजा आ रहा है बहुत। लेकिन ये और परेशान करने के लिए किसी को बुलाना है आपको? हम भी तो चाहते कि और लोग टॉर्चर हो अंदर से। आप भी हमारी तरह सेडिस्ट हो तो बुलाओ, लोगों को दर्द में देख के मजा आता। तो परेशान होने के लिए आ रहे हैं, आ रहे हैं। 1 2 3 प्लीज वेलकम। खड़े होकर नहीं, बैठ के तालियां बजाइए। और मैं खड़े होंगी क्योंकि मैं खड़े हूँ या बैठे हूँ पता तो चलता नहीं। क्या बात है। प्लीज वेलकम पवन, अरुणिता, साइली, दानिश और नेहा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इंडिया के, हिंदुस्तान के बेहतरीन सिंगर्स का। देखो इनके लिए तो ताली आपने बजा दी, लेकिन उससे भी डबल ट्रिपल चौपल तालियां बजनी चाहिए नेहा के लिए। क्योंकि नेहा, अगर आपने इनके एक एक गाने पे तीन तीन बाल्टियां सुन नहीं बहाए होते तो आज ये लोग स्टार नहीं होते। नेहा, इनके स्टारडम में आपके आंसुओं का बहुत बड़ा हाथ है। क्या क्या है? लेकिन पवनदीप से मैं बात करना चाहूंगा। पवनदीप, मैं तुम्हें बता दूं कि हम यहाँ पर उछलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते, हंसते ऐसा सब करते, तो तुम यहाँ पर कैसे सर्वाइव करोगे? ये सेम होने वाला है। क्योंकि तुम तो जब शो जीते थे तब भी ऐसा मुंह बनाया था जैसे तुम्हारा चालान कट गया हो। आई थोड़ी हंसी आई, थोड़ी हंसी आई, थोड़ी आई, मजा आया। खेलेगा ना? खेलेगा। वैसे मैं बता दूं, आप लोग सिंगर है लेकिन अर्चना को भी माइक बहुत पसंद है। अरे वाह, ये भी गाती है? नहीं, खाती है माइक वायर। दानिश के लिए जोरदार तालियां यार। दानिश, मैं दानिश एक बहुत सहज, समझदार, नो एटीट्यूड, नो ईगो, फिर भी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी एंड लॉट्स ऑफ फैन। ये तो मैंने अपनी बात कर दी, तुम अपना खुद बता दो। निहाल, निहाल तो अरिजीत सिंह से भी आगे बढ़ चुका है सिंगिंग में। अरे नहीं रे, बालू गाने में देखना, अरिजीत से भी ज्यादा बाल आ गए उसके। साइली, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। चलो ठीक है, तो अभी मजा खराब करते हैं और टॉर्चर बनाते हैं। कल नेहा और रोहन की टीम के बीच बॉली बोनांजा का हुआ था पहला राउंड, जिसे जीता था नेहा की टीम ने और टॉर्चर सहा रोहन ने। और आज हम देखेंगे बॉली बोनांजा का राउंड टू। पता है मुझे एक बात बोलनी थी। बोलो बोलो। ये जो दो है ना, जो बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पे है ना, बेस्ट फ्रेंड्स, ये जो साथ में है ना, कुछ मजा नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है दूर होंगे ना तो ज्यादा अच्छे से खेलेंगे। इनको अलग करो, अलग किया जाए तो ठीक है, स्विच करते हैं। एक काम करते हैं, पवनदीप तुम इस तरफ आ जाओ, निहाल तुम इस तरफ आ जाओ। ओह ओह, वेरी गुड। अब आएगा असली खेल का मजा। अब मैं बता दूं इस राउंड में क्या होने वाला है। हम लोग बताने वाले हैं सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर एंड किस एक्टर्स पे पिक्चराइज किया गया है। आपको वो गाना गाना है। ओह नाइस। ओके, रेडी? फटाफट। आशा भोसले जी, अरिजीत सिंह, म्यूजिक डायरेक्टर है अमित त्रिवेदी, और जिनमें पिक्चराइज किया गया है वो है कंगना रनौत। गो जाओ। सोचने में रह गया। अभी गाना बताना इनको, 10 सेकंड है इनके पास। हमें आ रहा है, एक मिनट। टिक टिक वन आता है, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, लंदन टिक टिक फोर, नहीं टिक टिक फाइव, आशा भोसले जी ने गाया था वो, टिक टिक सिक्स,
टिक टिक सेवन, टिक टिक एट, रामा हो गया, नाइन, रामा हो, रामा हो, बैंग, रामा हो, रामा हो, आया आया क्या? रामा हो, 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 गलत जवाब, गलत जवाब, गाओ, आपको पता है तो गाना गाओ, हंगामा हो गया, हा हा हा, ये ना, जी 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 जी, हो गया, हो गया, तो मैं बता दूँ, हार के जीतने वाले को नेहा कक्कड़ की टीम कहते हैं। रेडी? आ जाओ, गोली पहन लो। नेक्स्ट। आप इधर से कौन पहन रहा है? मैं, चलो मैं ही चली जाऊं। सिंगर है मोहम्मद रफी सर। ओह पुराने। म्यूजिक डायरेक्टर है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। वाह, पता ही नहीं आया। एक्टर्स है ऋषि कपूर एंड टीना मुनीम अंबानी जी। जहां ऋषि जी ने गाने के शुरुआत में वायलिन बजाया था। गो। गाना बताए हम? हाँ, गाना बताओ। क्या बात है? बस थैंक यू चैनल का। अब इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है। अपनी अपनी गोनियां पहन लो। सिंगर्स है नेहा कक्कर एंड देव नेगी। अरे क्या हो गया? अरे रुको, क्या हो गया? उन्हें कोई पता है? माना अपनी टीम का गाना है बट। म्यूजिक डायरेक्टर है जावेद मोहसिन एंड पिक्चराइज्ड है ऑन वरुण धवन एंड सारा अली खान। ओ अच्छा, आ गया। गो 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 गो। फिर आप ही गा दो फिर। आपको क्या लगा था कौन सा गाना है? कौन सा गाना? गलत गेस कर रही थी, कह रही थी कजरा रे कजरा। इंसान को इतने भी गाने नहीं गाने चाहिए। मुझे लगा बद्री की दुल्हनिया है। सारा अली खान और वरुण धवन। सारा अली खान। बद्री में कौन थी? मुझे लगा आलिया भट्ट। बहुत सेम नाम है, सारा आलिया है ना? वो ऐसे है, ऐसे है, सेम ही तो है। और इसी के साथ जीत हुई है एक पति की, जो पहले बहुत दुखी होता था, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा सुखी है। थैंक यू। और अब पनिशमेंट की बारी, यानी कि नेहा टीम आइए, आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये देखो पनिशमेंट आई है। ओ तेरी, ये देखो ये क्या है? कोम है, ठीक है? और ये साथ कोम में क्या है? केक, केक। ये तो कुछ भी नहीं है। बस इसके ऐसे खाना है जो रोहन प्रीत खिलाएगा। It's that simple. और अभी सभी ने कंघी करके आए हैं, सभी ने हाल नहीं किया। आ जाओ, आ जाओ, अब मैं अपने हाथों से खिला देता हूँ। याद रखना, ये वही औरत है जिसने ऐसे करके मारा था। छाती सुझा दी थी, गिराया था वहां पे। कंघी से केक खाते हुए पहली बार देखे। तो हो गई अभी। नेहा, 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 नेहू, नेहू, कमो चक्के, बाबू हम तुम्हारे साथ में। जय माता दी, जय माता दी। ओह, so sweet. ओह, बाबा, बाबा। ओह, I love you, baby. You're so sweet. मैं तुम्हें रोज घर पे ऐसे खिलाऊंगा। सब बच्चे लोग मुंह बंद करो अपना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। लाडो फोन आया कि अगले हफ्ते दुबई में आपका और मेरा शो है, जाना पड़ेगा। अगले हफ्ते? ओह, अगले हफ्ते नहीं जा सकते गाइस। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जाने के बाद आपकी हालत ऐसी होगी कि डॉक्टर बोलेगा 2 months बेड रेस्ट। तो आप लोग थोड़ा सा ऐसा 2-3 हफ्ते के बाद ले लोगे तो थोड़ा सही रहेगा। भाई मैं ताली गाना, पैसे कमा दो थोड़े बहुत। पाजी आपा भी वही करते पे हैं, हम भी पैसे ही कमा रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे तब आएंगे जब आप टॉर्चर होंगे। भाई बातें काफी हो गई टॉर्चर टाइम। नेहू, नेहू को एक सैंपल और देखना है। आइए नेहू। आप दोनों अपने फैन से बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी। तो शादी में आपने सिर्फ 40 लोग क्यों बुलाए?
74 मिलियन की जो फैन फॉलोइंग थी उन्हें क्यों भूल गए गाइस? क्यों 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 क्यों? तो एक काम करते हैं, आज यहाँ पे हम लोग एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल में रोहू और नेहू की शादी करने वाले तो क्यों ना इनको शौक शादी करवाई जाए। बड़ा शौक था ना शादी करने का। सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या होने वाला है। पड़ा पड़ा हो ये। अरे बाप रे। मत करो। पुनीत प्लीज प्लीज। चलो स्टार्ट करते हैं इनकी शादी। घराती और बराती डिवाइड हो जाइए। बंद करो ये म्यूजिक, बंद करो ये टॉर्चर, हमें शौक की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। पता भी यहाँ पे जरूरत किसको है टॉर्चर की? किसको? पवन को। What? इसके चेहरे पे ना कोई एक्सप्रेशन है ना कुछ है, प्लीज कुछ तो एक्सप्रेस किया करो। यार मैं बोल रहा हूँ पहली बार एक्सप्रेशन निकले तो सही, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत दुख रहा है। दुख नहीं रहा है, एक अलग ही दर्द है ये। दानिश बोला ट्राई कर लेते एक बार, यार आए हैं चल चल फिर कभी मौका मिले। जल्दी जल्दी, कुछ नहीं होगा जो लगेंगे सुन। नहीं नहीं नहीं, कौन दोस्त देगा उनको? किसने किया? कौन ट्राई कर रहा है? मैं कह रहा हूँ भैया 5 दिन में मेरी शादी है, मुझे घर बसाने दो। ऐसा करंट एंकर लग रहा है ओ मुझे आज। एवन रोहू कैसा लगा आपको आपकी शादी का ये रूप जहाँ पे झटके लगे जा रहे थे? बहुत ही शॉकिंग। क्या हुआ ये क्या है? अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे 1 साल का हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वो है। वो किसने किया? रोहू। रोहू तुमने ऐसे क्यों किया? तुमने जो म्यूजिक कंपोज किया है ना उसके राइट्स मेरे पास है। ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? तो उस दिन रोहू तुमने रोहू रोहू क्यों किया था मेरे साथ? सौतन दीदी आप टेंशन में, सॉरी 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 सॉरी, ये सिर्फ मेरे हैं, सॉरी सॉरी आपके हैं। देखिए सच में मैं ऐसा क्यों ही करूंगी? क्योंकि अंदर से तो मैं लड़का हूँ भाई, और मैं वैसा हूँ नहीं। बट मजाक करने आई थी, थैंक यू सो मच। बस झड़ दे गया, गया। कहाँ कहाँ? अरे सच में तुम्हारा मुंह ऐसा है? हे भगवान, ऐसे मुंह तो मैं यहाँ आंख मुंह बना के बना लेती हूँ। पवनदीप बट रोहू, अब मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ तो करके जाऊंगी। क्या करना है? मुझे रोमांटिक डांस करना है रोहू के साथ। रोहू आई ना है मेरे बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी, हे भगवान। बीच में हवन कुंड के चक्कर में तुम्हारा झुंड जल जाता अभी। तुम रोहू के साथ डांस करना चाहती हो लेकिन उसकी बीवी से आपको पूछना पड़ेगा, अगर वो परमिशन देती है तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये सौतन दीदी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कुछ प्रतिशत पति मुझे शेयर कर दीजिए। आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें दबोच सकती हूँ, दबोच सॉरी, इनके साथ डांस कर सकती हूँ। और डारी लगन लग गया उनको। ये हाँ बोल। अगर अब भी डांस नहीं किया तो मैं घर भी आती हूँ, आपको पता है। नहीं नहीं, मैं भी कर लो, मैं भी कर लो। प्ले द म्यूजिक। गाइस हमने नेहू और रोहू को थोड़ा सा ब्रेक दिया हुआ है। टॉर्चर कुछ ज्यादा हो गया था ना? करेक्ट। तो अब क्या करें पुनीत भाई? कुछ और चाहिए परेशान करने के लिए?
आई थिंक मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आ रहा है. देखो यहाँ पर कमाल के सिंगर्स तो है ही. ये लोग थके क्या? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, तुम लोग थके नहीं ना, नहीं ना, बस ना. तो यही जो है ना उसपे और चार चांद लगाते. करेक्ट. तो सिंगर्स ऑलरेडी है, आपके कॉन्टेक्ट में बहुत सारे डांसर्स है, तो क्यों ना आप डांसर्स को बुलाओ और यहाँ पे कुछ ऐसा कमाल की चीज करे. और इतनी शुभ चीज हो रही है, देखो इसने छींक भी मार दी है. आपको पता है कितनी शुभ बात होती है? ठीक है, वो एलर्जी होती है ना, यहाँ पे अर्चना है तो उससे लोगों काफी लोगों को एलर्जी होती है. हर बात पे मैं ही क्यों होती हूँ? तुम ही हर बात पे यही क्यों याद आती है? बस यही है, आ जाओ, हो गया, चलो आगे बढ़ो. अरे दूर से क्या उसमें हो गया, चलो तुमको गले लगना था, ऐसे बोल देते, हम खोपचे में जाके लग लेते थे गले. आगे बढ़ते हैं, काफी डांसर्सों को मैं जानता हूं, तो एक काम करते हैं, जो सबसे पहले उनको बुलाते हैं, तो प्लीज वेलकम निशांत भट्ट, प्रतीक उत्तेकर, श्वेता शारदा, सनम जोरा एंड वैष्णवी पांडे. वाह वाह, क्या बात है. डांसर्स वेलकम वेलकम वेलकम. आज आपको यहाँ पर एक लड़ाई लड़ने बुलाया है, एक जंग होने वाली है आपकी डांसिंग और इनकी सिंगिंग के बीच में. हर्ष भाई, हम बचपन से ही रेडी है, हम बॉन्ड रेडी है, इनको पलक झपकते ही हरा देंगे यार. ये भी अच्छी गलत फहमी है आपकी. और आप हम लोग को कच्चे लींबू मत समझो. लींबू लींबू नींबू. अगर आप हमें नींद में भी उठा दोगे ना तो भी हम आपको हरा देंगे. वही तुम्हें एक मिनट, अब तक तो तुम नींद में ही थे, तुम्हें उठाने के लिए आए ये लोग. मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर एक मिनट रुको, जंग ऐसे नहीं होगी. कोई बोल रहा है? यही तो बड़ी. एक मिनट रुको, जंग ऐसे नहीं होगी. ओ सलमान अली, यार मेरे डांसर से कुछ सीखो. ये प्रतीक कितना टैलेंटेड है, ये तो इतने ये बड़े बड़े शोज करता है, बहुत फ्लेक्सिबल है. आपको पता है हम लोग ऐसे ऐसे पीठ खुजाते हैं ना, ये ऐसा मुंह इधर डाल के अपने दांतों से अपनी पीठ खुजाता है सीरियसली. और इतना फ्लेक्सिबल है कि कान में उंगली डालता है और नाक साफ कर लेता है. हाँ हाँ, अरे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है. दिखा, 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 एक बार कर दे, दिखा ना. इधर से मुंह डालना, इट्स वेरी सिंपल फॉर यू, इट्स डेली कवर. इधर से मुंह डालना और दांत से मेरी नहीं खुजा दी. काट दिया भाई, इसे सच्चे में काट दिया. यहाँ पे सबसे सुंदर लड़की एक है. किससे बात कर? हाय श्वेता, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ. बहुत बढ़िया. आपकी हाइट कितनी होगी? 5'8". 5'8". पुनीत भाई का भी 5'8" ही है, लेकिन इनकी एज है 58. यार मेरा रिस्पेक्ट निकाल दिया, इनको रिस्पेक्ट देने के चक्कर में मेरा रिस्पेक्ट गया. पुनीत भाई बस करो, अभी इनके कानों को बहुत सारा टॉर्चर मिल चुका है, अब इनकी बॉडी को टॉर्चर देते हैं. Correct. क्या बोलते हो? Because it is torture time. Okay, okay. प्रतीक किधर गया? ये रहा, ये रहा. इनको तो फूंक मार देंगे तो वैसे ही उड़ जाएंगे, मसलने की जरूरत ही नहीं है. मार के तो देखो, आपकी फूंक में थोड़ा दम निकला. दम? ये दम की बात हो रही है यहाँ पे? दम की बात हो रही है यहाँ पे? निहाल, आजा निहाल, गुस्सा निकाल दे. दम की बात हो रही है क्या यहाँ पर? मैं तो मर गई. अरे लात मारा, लात मारा, ए लात मारा. उसके सिक्स पैक देख के मर गई मैं तो. ये किसकी टीम में है भाई? तू उधर कहाँ रोमांस कर रही है? वो ऑपोजिट टीम है सिक्स पैक की. सिंगर्स क्या लगता है, आप जीतेंगे ये राउंड? ओके ओके, हाउ इज द जोश गाइस? यानी कि दोनों टीमों में जोश बराबर का है. मैं गेम बता देता हूँ, गेम में क्या होने वाला है. इस गेम में होंगी दो टीमें, एक टीम सिंगर्स की और दूसरी टीम डांसर्स की. सिंगर्स को इस टर्न टेबल पर खड़े होकर गाना गाना है और डांसर्स को डांस करना है. इसमें टीमें एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगी और जिस टीम के ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स टर्न टेबल पर खड़े होंगे वो होगी विजेता. सबसे पहले जाएंगे हमारे चहीते सिंगर. लेकिन मुझे बहुत दुख होगा जब ये लोग टकरे होंगे. ओ हो हो, क्या बात है, कॉन्फिडेंस. बट हमें बहुत खुशी होगी जब आप गंजे हो गए.
बेचारा प्रतीक टकला होकर कैसा लगेगा? उसकी टाट कैसी लगेगी? टाट देखो, जब आप होगे ना, आपके प्यार में मैं गंजा भी हो जाऊंगा कि आप भी गंजे होने वाले हो। वाह, अच्छा टाइम वेस्ट किया। अच्छा अच्छा टाइम वेस्ट किया। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। इससे पहले कि चप्पल और चप्पली हो जाए, यहाँ पे हाथापाई हो जाए, हम राउंड शुरू करते। हम शपथ लेते हैं, कोई गिरेगा नहीं, कोई गिरेगा नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, टांग टूट जाए, टांग टूट जाए, चाहे मुंह टूट जाए, नाक नहीं कटवानी, नहीं कटवानी, पक्का, पक्का, चलो। अरे मम्मी, चक्कर आ गए भाई, बंद कर दो। ओ भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे से गिरे हैं ये। ओ भाई, ये दुनिया फिर क्यों रही है भाई? ये दुनिया घूम क्यों रही है? ये क्यों घूम रही है दुनिया? इतना तेज घूम रहा हूँ, इतना तेज घुमाया इसको। ओके, तो पहले राउंड में सिंगर्स ने कमाल कर दिया। और मैं एक और बात बता दूं, अगर आप में से कोई भी जब टर्न टेबल से गिर जाता है तो वो वापस चढ़ नहीं सकता। क्या बात है, लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला गेम है ये। ठीक है, तैयार है आप? लेकिन मजा बहुत आ रहा है, मजा बहुत आ रहा है। और ज्यादा घुमाना गाइस, डबल स्पीड। अरे बस गाना बंद करो, रोको। दानिश, दानिश, जो अब हुआ वो कुछ नहीं है, ये बोलेगी ज्यादा टॉर्चर है। बोलो, तुम खड़े क्यों नहीं हुए? तुम्हें पता नहीं है खड़े होने का गेम है ये? पर गाना ही नहीं गा रहा था उसका क्या? हाँ, पूरे टाइम इसको ही देख रहा था। मेरे को चारों तरफ अर्चना दिख रही है। माय गॉड, एक सही नहीं जा रही, तुमको चार दिख रही है। माय गॉड, वो बंदा जो हर सिंगिंग शो में फिनाले तक गया, वो पहली बार में ही गिर गया। ऑडिशन राउंड में रिजेक्ट हो गया, यानी कि। लेकिन जो जो आपके मुंह पे, पैर पे, इधर उधर जो पड़े हैं ना, पूरा गुस्सा निकालना है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी, वो ही लोग हैं। मैंने तो बैक पे मारा। मैंने भी बैक पे मारा। हर्ष भैया, कसम से, माँ की कसम, मेरे यहाँ पर मारा किसी ने। मारा है ना? हाँ। बस, मेरे को भी बस। मेरा तो माई की और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ मारूंगा। कहाँ कहाँ मारोगे? सबसे पहले तो सिक्स पैक में मारूंगा। मार लो। सुजा के सिक्स पैक करना, सुजा के तोंद बना देंगे।